एक बहुत ही साधारण घर में से पाला बड़ा लड़का जिसने अपने जवानी की जिंदगी में नाहे से फोक लिफ्टर का काम किया, लेकिन ट्रक ड्राइवर का भी काम किया है, और आज हॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर होने के बावजूद ये सारे कौशल जो उसने अपने जवानी में सीखे हैं वो अभी काम को आ रहे हैं। तो किसी भी काम से सीखे हुए कौशल अपने जिंदगी में कभी बेकार नहीं जाते, ये हमें इसी फिल्म के किरदार से पता चल जाता है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है, जहां पर मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 2021 में कुछ ही हफ्ते Netflix पे आए हुए फिल्म आइस रोड के बारे में। अभी आप लोगों को तो शायद नाम से ही पता चल गया होगा कि ये फिल्म एक बर्फीले रास्ते के ऊपर है, लेकिन बर्फीला रास्ता मतलब क्या दिखाना है इस फिल्म के अंदर, ये किसने और ये किससे बना हुआ है? अबे बर्फीला रास्ता बर्फ से बनेगा ना? अबे मेरे को भी मालूम है, मजा कर रहा है भाई, मैं ये साला कभी मजा करने नहीं देगा। तो दुनिया में कुछ जगहों पे बहुत सारी ठंडी होती है, मतलब इतनी बर्फबारी होती है कि वहां पे जितने भी छोटे मोटे झील हो वो बर्फ में जम जाते हैं, ठीक अपने फ्रिज में रखे हुए आइस क्यूब के जैसे। अभी इंडिया में भी ऐसे कुछ ही लोकेशन है जहां पे लोग ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, मतलब यही बर्फ से जमे हुए लेक के ऊपर या फिर रिवर के ऊपर चलने के लिए जाते हैं, जिसे कहते हैं चादर ट्रैक। अगर इसके बारे में आपको पता नहीं है तो गूगल कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे इतने बड़े लेक्स होते हैं और इतने अच्छे से जम जाते हैं, मतलब नीचे पानी तो है लेकिन उसके ऊपर की काफी मोटी सतह बर्फ से जम चुकी है, और उन्हीं जगहों पे वहां पे लोग जो छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, वहां पे जो बड़े बड़े माइनिंग कंपनीज होती हैं, उन लोगों के लिए जो इक्विपमेंट या फिर जो कुछ भी खाना पीना जो कुछ भी लगे वो लोग ट्रक के द्वारा उन लेक के ऊपर चला के वहां पे जाकर सप्लाईज देते हैं। तो अभी बर्फ से जमे हुए झील के ऊपर ट्रक चलाना ये कोई खाने का काम नहीं है बॉस, क्योंकि ये जमी हुई आइस रोड कभी भी टूट सकती है अगर आप वहां पे सही समय या फिर सही मौसम में ना जाओ तो। इस फिल्म की कहानी बहुत ही काल्पनीय है, लेकिन सच्चाई में एक ट्रक ड्राइवर को आइस रोड के ऊपर ट्रक चलाते वक्त किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ये हमें इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलता है। शायद डायरेक्टर का अपना खुद का कोई रिश्तेदार ऐसा करता हो या फिर कोई माइनिंग सेक्टर में काम करता हो, शायद ये पर्सनल ऐसा भी हो सकता है, इसलिए शायद डायरेक्टर ने ये फिल्म बनाने की कोशिश की है। लेकिन इस फिल्म के अंदर आपको बस बर्फीले रास्ते देखने के लिए नहीं तो और बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो पूरा फिल्म कनाडा के मैनिटोबा शहर में विनिपेग प्रोविंस के अंदर शूट हुई है, और फिल्म की कहानी भी इसी प्रोविंस के ऊपर बेस्ड है। तो कहानी है लियाम नीसन की, जो यूएस के नॉर्थ डकोटा में ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं अपने वेटरन भाई के साथ, जो यूएसए के आर्मी में था और इराक में एक मिशन में घायल होने के वजह से वो ठीक से बोल नहीं पाता, और इसी बीमारी को कहते हैं। अब इसी के कारण इन दोनों की जॉब छूटती है और जुड़ती है, और उसी समय विनीपेग में एक डायमंड माइनिंग फील्ड में मीथेन का ब्लास्ट होने के कारण कुछ 26 लोग उस सुरंग में जिंदा फंस जाते हैं, और अभी उन्हें बाहर निकालने के लिए एक तंदुरुस्त माइनशाफ्ट चाहिए जो उस सुरंग को ड्रिल करके उसके अंदर से सभी लोगों को जिंदा बाहर निकाल पाए। लेकिन लोगों को जिंदा बाहर निकालने का कुछ खाओ का काम नहीं है बॉस, उनके पास ये सब कुछ करने के लिए सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक ही दिन का टाइम है। तो एक दिन के अंदर ये माइनशाफ्ट यूएस से कनाडा में उस जगह पहुंचना चाहिए, और सिर्फ ट्रक से ही हो सकता है क्योंकि इतना हैवी मटेरियल कैरी करने के लिए कोई अवेलेबल प्लेन ही नहीं, और बड़े प्लेन को वहां पर लैंड करने के लिए कोई रनवे नहीं। तो बेसिकली इस फिल्म में यही बताना है कि जब चाहिए तब कोई चीज काम को नहीं आती, और जब नहीं चाहिए तब सभी चीजें काम को आती हैं। सच बात बोलता। और वो ट्रक उन्हें ले जानी होती है उस बर्फीले रास्ते से जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और ये आपको फिल्म देखते वक्त ही पता चलेगा क्यों। और उस रास्ते पे चलाने वाले ट्रक ड्राइवर्स कुछ थोड़े ही हैं, और अभी क्योंकि माइक की हाल ही में जॉब चली गई है और उसे बर्फ पे गाड़ी चलाने आती है, तो वो उसके भाई के साथ और दो ड्राइवर्स के साथ ऐसे तीन ट्रक्स लेके निकलता है विनीपेग की तरफ। लेकिन मगर किंतु परंतु ये एक दीमक उनके साथ जो चिपक जाता है तो ऐसे समझ लो इतनों का खून चूसेगा कि छूटे भी नहीं छूटेगा। अब ये एक दीमक कहां से, किसने और क्यों इन बेचारे भले काम करने वालों की मारने के लिए इनके साथ चिपका दिया है वो आपको ये फिल्म देखकर ही पता चलेगा। अभी कौन है इस लड़की का उस सुरंग में फंसा, अभी क्या ये सभी ट्रक ड्राइवर्स वो माइनशाफ्ट को विनीपेग जाने में और सुरंग में फंसे हुए लोगों को बाहर जिंदा निकालने में सफल हो पाएंगे या नहीं, ये सब आपको तो ये फिल्म देखकर ही पता चलेगा। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक्शन के लिए ही बनाया है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है पहले ही जुमांजी और आर्मगेडन जैसे अच्छी फिल्में दे चुके हैं,
तो इस फिल्म में आपको अच्छे VFX और सिनेमेटोग्राफी के साथ अच्छी कास्ट भी देखने के लिए मिलेगी। बाकी इसका म्यूजिक जो है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन स्टोरी ही है जिसमें इतना दम नहीं, मतलब आईसी रोड दिखाएंगे तो कोई देखने के लिए आने वाले है नहीं। इसके अंदर थोड़ा बहुत तो मिर्च मसाला डालना ही पड़ेगा ताकि लोग उसे देखने के लिए आए। इसलिए इस फिल्म के अंदर आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो अच्छी बनाई गई है, स्क्रिप्ट राइटिंग और जिस हिसाब से एक्साइटमेंट प्लेसमेंट किया गया है इतना खास नहीं लगा, लेकिन इतना बुरा भी बिल्कुल नहीं है। और ज्योग्राफिकली जो कुछ भी लोकेशन इस फिल्म के अंदर दिखाए और जो उनका रूट बताया है वो बिल्कुल भी मैच नहीं होता, तो ये महज बस काल्पनिक है। तो रेटिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू MPA इसे रेट किया है PG-13, यानी कि 13 साल के नीचे बच्चों को पैरेंटल गाइडेंस मस्ट है। बच्चे अकेले से फिल्म ना देखे, लेकिन पेरेंट के साथ या फिर एडल्ट्स के साथ और पूरी फैमिली एक साथ बैठ के कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंटली इस फिल्म का लुत्फ उठा सकती है अगर आपको इंग्लिश या फ्रेंच समझ में आती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही है और ये विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली फिल्म बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं। तो अगर आप लियाम नीसन के फैन हो और 1 घंटा 50 मिनट का एक्शन और थ्रिल से भरा हुआ फिल्म देखना चाहते हो तो ये फिल्म मैं आपको 100% वन टाइम वॉच जरूर रेकमेंड करूंगा। इतना कोई ढांसू फिल्म नहीं, लेकिन इतना बोर भी नहीं, आपका पूरा समय अच्छा जाएगा। सिर्फ थोड़ा स्टोरी इतना कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर को किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है इसका थोड़ा आपको एहसास होगा। तो बर्फ के ऊपर ट्रक चलाना कोई खाओ का काम नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। अगर ऊपर से आप ऑफ सीजन में जाओगे, मतलब बर्फ की सतह तो पहले से बहुत ही पतली है, तो कभी भी कहीं पे भी एक छोटा सा क्रैक आपके जिंदगी को खत्म कर सकती है और यही चीज इस फिल्म में भी होगा। तो जाओ ये फिल्म देखो और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये फिल्म कैसे लगा। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। तो अगर आपको मेरा चैनल वो कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटे का बटन दबाने का, उसका तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए ब्लॉग्स आएंगे तभी आपको सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या मेरे दूसरे ब्लॉग्स में देखना चाहते हो तो ऊपर आए बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे होंगे, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माओ को परेशान करने का नहीं, बाजू वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं, आज सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या बाय।